सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में चल रही 3 मैचों की टेस्ट सीरीज आखिरकार अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच ही चुकी है। आपको बता दें कि सीरीज के 2 मुकाबले जीतकर भारतीय टीम 2-0 की बढ़त से आगे है। इस सीरीज को भी भारतीय टीम ने जीतकर तो अपने नाम कर लिया है, लेकिन अब एक मौका है इतिहास रचने का। इतिहास ऐसे रचने का कि भारतीय टीम लगातार इस दूसरी टेस्ट सीरीज को 3-0 से जीतकर एक बेहद ही बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आखिरकार रोहित शर्मा ने कितने मैच खेलकर अपनी टेस्ट में 5 शतक को पूरा कर लिया है। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि रोहित शर्मा साल 2013 से टेस्ट क्रिकेट भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कुल 49 पारियां भारतीय टीम के लिए खेली और 49 पारियों के बाद जाकर के रोहित शर्मा अपने 5 शतक पूरे कर पाए हैं। हालांकि यह बात अलग है कि रोहित शर्मा को हाल ही में भारतीय टीम के ओपनर के तौर पर चुना गया है। इस दौरान 47 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने 7 बार नाबाद रहते हुए अपने खाते में 10 अर्धशतक तो वहीं 5 शतक अब जोड़ लिए हैं। आपको बता दें कि रोहित शर्मा द्वारा लगाया गया अब तक का टेस्ट मैच में हाईएस्ट स्कोर रहा है 176 रन, जो कि हाल ही में उन्होंने साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पहली पारी के दौरान लगाया था। दोस्तों, रोहित शर्मा का कंपैरिजन अगर भारतीय टीम के सबसे दिग्गज खिलाड़ियों में से एक सचिन तेंदुलकर व विराट कोहली से करा जाए तो वह थोड़े पीछे हैं। आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने अपने समय में महज 23 मुकाबले खेलकर 35 पारियों के दौरान अपने 6 अर्धशतक तो वहीं 5 शतक भी पूरे कर लिए थे, लेकिन विराट कोहली तो अननाय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर से भी एक कदम आगे निकले। दोस्तों, आपको बता दें कि विराट कोहली का बल्ला टेस्ट क्रिकेट में हाल ही के समय में खूब चला है। आपको बता दें कि कप्तान विराट कोहली ने 8 साल पहले भारतीय टेस्ट टीम में अपना डेब्यू मैच खेला था, जिसके बाद तो वह रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाते चले गए और अब 21 मुकाबले खेलकर महज 35 पारियों के दौरान ही विराट कोहली ने न सिर्फ 1450 रन लगाए हैं बल्कि उन्होंने अपने खाते में 5 शतक भी जोड़ लिए हैं। इस दौरान विराट कोहली ने अपने नाम 8 अर्धशतक भी जोड़े हैं। दोस्तों, इस सूची में सबसे आगे तो कप्तान विराट कोहली है, लेकिन यह जो आंकड़ा है यह पिछली बातें बताता है। फिलहाल तो रोहित शर्मा भारतीय टीम के लिए जिस हिसाब से टेस्ट फॉर्मेट में बल्लेबाजी कर रहे हैं उससे तो यही मालूम पड़ता है कि आने वाले कुछ समय में अगर वह बतौर ओपनर ही टीम के लिए खेलते रहे ऐसे में कई बड़े रिकॉर्ड्स वह सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली द्वारा बनाए गए तोड़ देंगे। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा सबसे पहले दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर पाएंगे या फिर नहीं टेस्ट क्रिकेट में, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।